हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं क्ले से कुछ बनाने वाली हूँ, गेस करो क्या। तो अभी हम लोग के देश में इसरो का चंद्रयान 3 बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो अभी मैं एक फिज़िक्स का प्रोजेक्ट बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे फिज़िक्स का अभी कुछ नहीं दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि अभी मैं बस मॉडल बनाने जा रही हूँ एक्चुअली में। तो आइए देखते हैं क्या है। ये जो क्ले है ये मिलता तो बहुत कम का है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिपचिपा है। मतलब ये है ना, बाद में हार्ड हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। आप विश्वास नहीं करोगे कि कितना ये लाइट वेट है। तो ये मेरा पहला वो है, ठीक है। इसी तरह से हम और भी निकाल लेंगे। ये मैं इस टाइप से मिला रही हूँ, सब कलर्स को मिला रही हूँ, फिर मैं इसे पेंट कर दूंगी। देख सकते हो किस टाइप से ये हो रहा है, आई मीन चिपक रहा है हाथ में। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है फिजिक्स का प्रोजेक्ट है, और मतलब छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं इसे थोड़ा अच्छा लुक देना चाहती हूँ, और थोड़ा क्लास से हटके आर्टिस्ट लोग की प्रॉब्लम्स। तो ये अभी थोड़ा देर में कड़ा हो जाएगा, इसके लिए ये बस थोड़ा सा है ना, मचलते रहना पड़ता है। तो ये करते 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 करते, वैसे आपको जितना क्ले ज़रूरत हो उतना ही आप लें। और अभी फ़िलहाल मैं इसका एक स्ट्रक्चर बनाऊंगी। सो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि ये हल्का मतलब कम चिपचिपा हो गया है, देखिए। तो अभी मेरे पास इसका ढांचा के लिए हमारे पास कुछ खाली पेंस है, ठीक है। इसमें ज़्यादा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको थोड़ा सा का ज़रूरत पड़ेगा। तो एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, कि ये चीज़ होना चाहिए कि आप पहले थोड़ा सा ही ले लो, नहीं तो ये अगर हार्ड हो जाता है तो फिर ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये केमिकल वाला क्ले है, और ज़्यादा इसको ज़्यादा देर तक हाथ में ना लें, और इसको हाथ यूज़ करने के बाद फिर हाथ अपना ज़रूर धोएं, वो भी साबुन से। तो दोस्तों, ये तो था क्ले का। तो आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में, ये पार्ट 1 था। तो दोस्तों, ये हम लोग का सेकेंड पार्ट। वेलकम टू आवर चैनल। सो दोस्तों, ये हम लोग का सिर्फ रॉकेट का मेन पार्ट। तो यहाँ पे मैंने पेन से ज्वाइंट कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए अच्छा लग रहा है। ये आपका बीच का पार्ट हो गया। आप चाहे तो छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इतना लिया है साइज, देख सकते हैं आप। और मैंने इसे टेप से अच्छे से स्टक किया है ताकि ये हिले डुले ना, ठीक है, इस टाइप से खड़ा रहेगा। तो अभी हम लोग इस पे लेयरिंग करेंगे। तो हम लोगों ने इसका पतला सीट बना लिया है, अब हम लोग इस पे चिपकाएंगे। ओके, इसको अच्छे से चिपकाएंगे, है ना, अच्छे से ये ढक जाना चाहिए। तो हम लोग अभी ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। मेक श्योर कि हर जगह बराबर हो, कहीं पे ना ज़्यादा हो ना कहीं पे कम हो। तो ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे कि ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग उखाड़ लेंगे। वैसे अभी इसका मेन पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग इसका डिटेलिंग पे देखेंगे। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका नीचे वाला पार्ट तैयार हो गया है। ऊपर वाला हम लोग को थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोग इसका गर्दन पतला किए हैं, और ये थोड़ा ऊपर में इसी टाइप से मोटा होगा दोस्तों। समवट ये मतलब मिडिल का रीजन हम लोग का तैयार हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नोकी कर लिए हैं, क्योंकि ये असल में एक रॉकेट बनने वाला है ना, मंगलयान बनने वाला है। तो ये जो कलर चेंजेस है इस पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये असल में पेंट हो जाएगा और ये छिप जाएगा, है ना।
तो आइए आगे का भी पार्ट बनाते हैं। तो आगे का पार्ट आपका अगले वीडियो में मिलेगा। तो ये पार्ट टू था, और मिलते हैं आपको पार्ट थ्री में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब। सो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा रॉकेट प्लेस होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसका बगल वाले का स्ट्रक्चर दे दिया है, ये दोनों। फिर ये जॉइंट होगा, इसमें थोड़ा और डिटेलिंग एड्स होगा। यहाँ पर एक और छोटा सा लगेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा इतना बड़ा लगेगा, और इधर भी। फिर हम इन दोनों को जॉइन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट पार्ट में। तो मैंने आपको दिखाया था पिछले पार्ट में केवल ये वाला पार्ट, सॉरी इस चीज़ को, इस वाले पार्ट को मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। एक्चुअली मैंने क्या किया, ये वाला दो पेन लिया, दोनों को इस टाइप से ओवरलैप किया है। मैंने बताती हूँ, ये इस टाइप से मैंने ओवरलैप किया है, फिर टेप से चिपका करके फिर मैंने ये किया है। और फिर अभी मैंने क्ले से इसको एक शेप दे दिया है, फिर यहाँ पर जॉइन कर दिया क्ले डाल के। कलर को मैं दोबारा कह रही हूँ दोस्तों कि कलर को मत देखो, क्योंकि ये बाद में पेंट होगा, और एक्चुअली हमारे पास सेम कलर का क्ले नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो खड़ा करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा दोस्तों। अभी नहीं कर सकती क्योंकि ये अभी सूख रहा है। सो मिलते हैं अगले पार्ट में। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अभी मैंने थोड़ा डिटेलिंग दे करके इसका बेस स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, देख सकते हैं आप। और तो अगले वीडियो में आप देखिएगा इसका पेंट का। और यहाँ पर मैंने एक्चुअली मैं ना इस चीज़ को ना यूज़ करके, मीन्स ये वाला जो है, इस चीज़ को ना यूज़ करके मैंने क्या किया है कि पहले मैंने मतलब क्ले को इस तरीके से मतलब पतला कर दिया है, एक चपटा कर दिया है, मीन रोटी जैसा बना दिया। फिर उस पर मैंने क्या किया है कि इस टाइप से मैंने किया है, ठीक है, इस टाइप से मैंने किया है। तो इस टाइप से करने पर आपका ऐसा वाला टेक्सचर आता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर भी मैंने किया, लेकिन इस पर ज़्यादा दूर में किया है, इस पर थोड़ा पास में किया है। और आई होप कि ये अच्छा लगेगा जब पेंट करेंगे, तब पेंट करने के बाद जब हम लोग सर्किट ये सब कुछ जोड़ देंगे, तब ये बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगेगा, मीन्स या सुंदर तो लगेगा ही। तो तब तक के लिए वेट कीजिए। सो गाइस, आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि हम लोगों ने अपना मॉडल तैयार कर लिया था, और इस वीडियो में हम लोग इसे पूरा वाइट से पूरा पेंट करेंगे, ऊपर से नीचे आगे पीछे हर तरीके से, क्योंकि मैंने बोला था कि ये कलर एक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस पे ऊपर की तरफ पे एक कोटिंग लेयर डाल दी है। अभी इसी तरीके से हम लोग पूरा पेंट करेंगे। सो गाइस, ये पूरा पेंट हो चुका है, ये एक लेयर चढ़ा है अभी, और इस पे अभी एक और लेयर चढ़ाएंगे। तो आप अच्छा से
ये दिखेगा, अभी तो यहाँ पे कलर डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेकिन एक और कोट चढ़ाने पर ये और अच्छा से दिखने लगेगा। तो ये पार्ट मैंने पेंट उतना नहीं किया क्योंकि ये झब जाएगा कॉटन से। तो दोस्तों अभी इसको छोड़ देते हैं थोड़ा सूखने के लिए, ताकि इस पे नया कोट चढ़ा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब आपको मैं बताऊंगी कि इस पे क्या क्या डिटेलिंग कैसे कैसे ऐड करनी है। ओके बाय, थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये आप देख सकते हैं कि हम पेंट करके पूरा रेडी है, डबल कोटिंग चढ़ गया है इस पे। तो आइए इस पे डिटेलिंग देंगे। तो आप इसे मतलब पेंट से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं मार्कर यूज़ करूँगी इसके लिए। आइए देखते हैं। पहले हम लोग अपना देश का प्यारा झंडा यहाँ पे बनाएंगे। ओके हाय गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का कोटिंग चढ़ गया है, एंड हमने यहाँ पर सबसे पहले तिरंगा बनाया है हमारे प्यारे देश का। आइए और भी हम लोग डिटेलिंग इस पे देते हैं, हम लोग का रॉकेट पे। ओके लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग इसरो लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाद झंडा बनाने के बाद मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर लिया है। आप चाहे तो ब्रश से भी कर सकते हैं, आई मीन पेंट से भी कर सकते हैं, या तो मेरे पास मार्कर है अभी फिलहाल, तो मैं मार्कर से करूंगी। ओके सो लेट्स मेक इसरो। इस तरफ हिंदी में हम लोग लिखेंगे और इधर हम लोग लिखेंगे इंडिया, फिर लिखेंगे भारत। ओके सो लेट्स मेक इट। यहाँ पे हम लोगों ने हिंदी में लिख दिया भारत, इंडिया, इसरो, इसरो। हम लोग नेक्स्ट डिटेलिंग देते हैं। तो नेक्स्ट डिटेलिंग में हम लोग आएगा इसरो का जो होता है सिंबल, वो मैं बनाऊंगी अभी। ओके सो लेट्स मेक इट। तब तक दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, जय हिंद जय भारत। और उसके बाद ये हो गया रेड कलर से, देन अब मैं इसको करूंगी नेक्स्ट कलर। मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर ले लिया है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एल्बियन लिख दिया है, देन यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, फिर ये दोनों तरफ मैंने कर दिया है। ओके फिर ये मैंने यहाँ पर लिखा है इसरो इंडिया भारत, INDIA, ISRO। अब हम लोग इसमें थोड़ा और डिटेलिंग ऐड कर देंगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो इतना तक भी रख सकते हैं, नहीं तो फिर आप थोड़ा और डिटेल इसमें दे सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमने डिटेलिंग इसको दे दिया है।
आई होप कि ये अच्छा लग रहा हो और आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अगले वीडियो में आपको मैं कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगी, इसका वायर, और मतलब जैसे जैसे मैं क्या करने वाली हूँ इसके आगे वो मैं करके दिखाऊंगी आपको। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।